दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई के दिन शनिवार को पड़ रही है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था और सभी पुराणों की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास के योगदान को देखते हुए आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत रखने के साथ भक्त भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं और सत्यनारायण कथा का पाठ या श्रवण करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा 23 जुलाई यानी शुक्रवार को सुबह 10:43 से शुरू हो जाएगी, जो कि 24 जुलाई की सुबह 8:06 तक रहेगी। उदया तिथि में पूर्णिमा मनाए जाने के कारण यह 24 जुलाई यानी कि दिन शनिवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस बार की पूर्णिमा तिथि पर कई सारे अद्भुत संयोग का निर्माण हो रहा है और कई सालों के बाद यानी कि 72 सालों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस बार की गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और प्रीति नाम का योग शुभ योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि 24 जुलाई को सुबह 6:12 से प्रीति योग लगेगा, जो कि 25 जुलाई को सुबह 3:16 तक रहेगा। इस दिन दोपहर 12:40 से अगले दिन 25 जुलाई को सुबह 5:40 तक सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा। ये दोनों ही योग शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए उत्तम माने जाते हैं। दोस्तों, खास बात तो यह है कि यह जो पूर्णिमा तिथि है वह शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे शनिवारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जा रहा है। और दोस्तों, शनिवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पड़ना और सर्वार्थ सिद्ध योग का बनना, ये सारे संयोग एक बड़ा महासंयोग बना रहे हैं और दुर्लभ शुभ संयोग बना रहे हैं, जो कि कुछ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा शुभ और लाभकारी रहने वाला है। इन राशि वालों के ऊपर अब धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों, जो पूर्णिमा तिथि होती है यह भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है और पूर्णिमा के तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इसलिए आप इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी 7 राशियाँ हैं जिनका भाग्य चमकने वाले हैं, जिनकी लॉटरी लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बता दें कि सबसे पहली जो राशि है वो है यहाँ पर मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपको बता दें कि इस दौरान माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस राशि वाले लोगों को लाभ होने वाला है। अब आपके जीवन में कई तरह के चमत्कार देखने को मिलेंगे। यह गुरु पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रूप से धन का बड़ा लाभ होगा। लॉटरी सट्टा में भाग अजमाएंगे तो दुगना धन लाभ कमाने का मौका मिलेगा। अगर कोई शेयर मार्केट वगैरह में आपका पैसा रुका था तो वो भी मिलेगा। जमीन प्रॉपर्टी में लाभ होता नजर आएगा। अगली जो राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर वृषभ मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों, आपको बता दें कि 24 जुलाई के दिन जो ये महत्वपूर्ण योग बन रहा है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब आने वाला समय आपके लिए और भी चमत्कारी रहेगा। इस गुरु पूर्णिमा के दिन इस महादुर्लभ शुभ संयोग के बनने के कारण अब आपके जीवन में नई चमक देखने को मिलेगी, नए लाभ देखने को मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं चल रही थी तो उसमें आपको फ़ायदा मिलता नजर आएगा। अच्छे कामों के लिए अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप यात्राएं कर सकते हैं। इस समय आपके दोस्त भी आपके फेवर में रहेंगे। माता पिता का पूरा सहयोग और समर्थन मिलता नजर आएगा। आप बिजनेस व्यापार में तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति प्रमोशन के योग बनेंगे, तो वहीं बड़ी सैलरी वाली आपको नौकरी मिलेगी और किसी मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आ सकता है, तो वहीं रुका हुआ फसल धन भी प्राप्त होगा। अब जो तीसरी राशि है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि के आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत सारे शुभ संयोग बनने के कारण अब आपको लॉटरी सट्टा में भाग अजवाएंगे तो लाभ होगा, यानी आपकी लॉटरी लग सकती है। धन से माला माल हो सकते हैं। रुका हुआ फसल धन प्राप्त होगा। बैंक के क्षेत्र से अगर कोई लोन वगैरह रुका था तो लोन आपका मंजूर होता हुआ दिखाई देगा, यानी अपने द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय आपको उसमें सफलताएँ मिलती नजर आएगी। प्रत्येक कार्य में आपको सफलताएं मिलेंगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको 100% सफलताएं मिलती नजर आएगी। वैवाहिक जीवन शानदार है। अगर विवाह देरी हो रही है तो उसमें भी आपको सफलताएं अवश्य मिलती नजर आएगी। अब दोस्तों, जो यहाँ पर
चौथी राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि के जातकों बता दें कि कई सौ सालों के बाद गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ा संयोग बन रहा है। अब आपको इनकम के स्रोत आपके बढ़ेंगे, पुराने मित्रों को सहयोग प्राप्त होगा, स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई पर मन लगेगा और पढ़ा हुआ लिखा हुआ याद भी रहेगा। जो भी कार्य करेंगे अपने हाथों से उसमें सफलताएं मिलेंगी, सेहत में लाभ देखने को मिलेगा, उच्च सेहत में लाभ होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी पूर्णिमा तिथि के दिन प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं, इसलिए अब आपका सारा काम बनता चला जाएगा और चुटकियों में बनता चला जाएगा। जो भी काम करेंगे उसमें 100% आपको सफलताएँ मिलती नजर आएगी, प्रत्येक कार्य में आपको लाभ मिलेगा और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ भी देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। अब जो यहाँ पर दोस्तों पांचवी राशि आती है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों को बता दें कि अब आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न हो चुकी हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अचानक धन का लाभ होगा, जमीन प्रॉपर्टी से लाभ होगा, विदेश से कोई शुभ सूचना मिल सकती है, विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ता नजर आएगा। अगली जो राशि यानी छठवीं राशि आती है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जात को आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग के बनने के कारण, जैसे कि सर्वार्थ सिद्ध योग, प्रीति नाम योग बनने के कारण माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न मुद्रा में रहेंगी। अब आपके ऊपर छप्पड़ फाड़ के धन संपदा बरसा सकती हैं, लॉटरी लगने के योग बने हुए हैं, आपको साझेदारी में किए गए बिजनेस व्यापार में दुगुना धन लाभ कमाने का मौका मिलेगा और बेहतरीन मौका मिलेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें 100% आपको सफलताएँ मिलती नजर आएगी। अब जो दोस्तों सातवीं यानी अंतिम जो राशि है दोस्तों वो है यहाँ पर तुला राशि। तुला राशि के जात को आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन यानी कि विशेष महाशुभ संयोग बनने के कारण अब आपको जीवन में कई प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे, यानी कि अब 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ने के कारण और शनिवार का दिन पड़ने के कारण शनिदेव भी आपके ऊपर प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। शनिवार का पड़ना गुरु पूर्णिमा के दिन, इस दिन विशेष रूप से महाशुभ संयोग बन रहा है, जिसका सीधा सीधा लाभ तुला राशि के जात को आपको होने वाला है। आपके करियर में नई उम्मीदें जगेंगी और तमाम तरह के आपके जो इम्पोर्टेंट कोई डील रुकी हुई थी वो डील फाइनल होगी, बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी, बैंकिंग के क्षेत्र से लाभ होगा, विदेशी कंपनी से लाभ होगा और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बेहतर संबंध रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति और प्रमोशन के योग बनेंगे, बड़े पद की आस लगाए बैठे थे तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, यानी कहा जाए तो आपकी उम्मीद के अनुसार ही आपको लाभ मिलेगा। और इन सात राशियों की किस्मत अब खुलने वाली है, इन सात राशियों की किस्मत अब चमकाने वाली है माँ लक्ष्मी। इन सात राशियों के ऊपर माँ लक्ष्मी जी अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसा रही हैं, जिससे कि अब इनकी लॉटरी लग सकती है, ये धन से माला माल हो सकते हैं, इनके तमाम तरह के काम जो रुके हुए थे उन कामों में इनको जबरदस्त सफलताएँ मिलती नजर आएगी।